रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। प्रदेश में साल के 6 महीने अपने घरों से दूर रहकर जीवन यापन करने वाले गद्दी समुदाय को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। सदियों से अपने पेशे को बेखूबी निभा रहे गद्दी समुदाय के लोग पहाड़ों पर बर्फबारी होने के चलते 6 से 7 महीने निचले क्षेत्रों में गुजारते हैं। हमीरपुर में भी हर साल चंबा, पालमपुर, भरमौर, मंडी, छोटा बंगाल से गद्दी अपनी सैकड़ों भेड़ बकरियों के साथ दिनचर्या गुजारते हैं। गद्दी समुदाय के लोगों ने प्रदेश सरकार से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। प्रदेश में साल के 6 महीने अपने घरों से दूर रहकर जीवन यापन करने वाले गद्दी समुदाय को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। सदियों से अपने पेशे को बेखूबी निभा रहे गद्दी समुदाय के लोग पहाड़ों पर बर्फबारी होने के चलते 6 माह से 7 महीने निचले क्षेत्रों में से गुजारते हैं। हमीरपुर में भी हर साल चंबा, पालमपुर, भरमौर, मंडी, छोटा बंगाल से गद्दी अपने सैकड़ों भेड़ों बकरियों के साथ दिनचर्या गुजारते हैं। गद्दी समुदाय के लोगों ने प्रदेश सरकार से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। एक लाठी के सहारे ही गद्दी लोग अपने कुनबे की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब गद्दी समुदायों के लोगों ने हथियार की मांग की है। चंबा से हमीरपुर पहुंचे गद्दी रमेश चंद और प्रकाश ने बताया कि साल के 6 महीने घरों से बाहर ही गुजारने पड़ते हैं, जिसके कारण हर वक्त अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। उन्होंने कहा कि एक लाठी के सहारे ही दिन रात भेड़ बकरियों की सुरक्षा करनी पड़ती है और अगर सरकार चाहे तो हथियार मुहैया करवा सकती है। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? मांग चाहते हैं पहले हमारा वो हथियार दीजिए, कोई नहीं, कोई बहुत खतरा गद्दियां बस है और दूसरी गलत जंगल बंद, जंगल खुला जाएगा बेटा बस। क्या आपको लोगों लोग भी परेशान करते हैं? जैसे लोग परेशान करते हैं और चोर डाकू बहुत परेशान करते हैं। हाँ जी, तो सरकार मदद करती है आपकी क्या? सरकार मदद करती है अपना, वो कोई मौके मिले था मौके नहीं मिले तो मदद नहीं करती सरकार भी। ऐसे तो कोई खा जाते है, कोई प्रधान कोई पैंच कोई बोलते झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, भरमौर से हम भी थे, आए थे। कब चले थे वहाँ से? क्या समस्या है आती है आपको? समस्या है ना इन्हें चोरा था, बड़ा भारी खतरा। बाकी तो चलो चली रहता धंधे, चोर बेचारी जी बड़ी भारी खराब है ना। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? तो मांग तो हूँ और क्या मांग करनी, वे जरा फाजता हुआ हाँ जी और क्या है, हथियार हो ना कोई कुछ नहीं, कुछ हथियार मिलना चाहिए वही सकता ना कुछ नहीं कुछ। इस वेले 3 बंदे हैं। कितना टाइम लगाते हैं आप, कितने महीने बाहर रहते हैं? इस पास से तो 6 महीने आ जाते हैं इधर। वहीं एक अन्य सदस्य पंकज कुमार ने सरकार से मांग की है कि गद्दियों की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाने चाहिए, क्योंकि कई बार तेंदुओं के खतरे से निपटने के लिए जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि पिछले 5-6 महीनों से घर से निकले थे और अब कुछ दिनों बाद घर वापसी होगी। हमको तो टाइम हो गया कम से कम 4 महीने हो गए, तो हम चंबा से आए हुए हैं भरमौर, और उधर से मतलब कि हमें चलने बड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि ट्रैफिक वगैरह आ जाता है, बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब हमें कहते गाड़ी वाले कई परेशान करते हैं, फिर कहीं लड़ाई वगैरह भी हो जाती है सड़क के बीच में, तो हमें फिर कहते एक डंडे के सहारे में सारा कुछ निपटाना पड़ता है। तो मतलब हम जैसे चले रहते हैं तो मतलब कहीं चुकाने के लिए कहीं जगह होती है तो उधर बैठ जाते हैं हम, तो फिर उधर ही हमें कहते सारी रात भी बितानी पड़ती है। उधर कई चोरों का खतरा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें, जैसे बाघ का खतरा। और हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमें किसी न किसी हथियार का प्रबंध किया जाए। गौरतलब है कि गद्दी समुदाय के लोगों को दिन रात सुरक्षा की चिंता सता रही है, क्योंकि कई बार तेंदुओं के हमला कर भेड़ बकरियों को खा लेते हैं, तो गद्दी लोगों के साथ लोगों के मारपीट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और भेड़ बकरियों को चराने के लिए मामले भी सामने आ रहे हैं, जिस कारण ही गद्दी समुदाय के लोग अब लाइसेंस शुदा हथियार की मांग कर रहे हैं। एक्चुअली उन्हें अपने यहाँ तो चेक करा।